इंडेक्स शायद शुरुआत करेगा एक फ्रेश ऑल टाइम हाई पर। जी हाँ, ये अगर यहाँ पर हम खुले तो मिड कैप इंडेक्स के लिए ऑल टाइम हाई होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शुरुआत में मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगा रहा है, निफ्टी थोड़ा टाइम लगाता है, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी करीब करीब 5 पॉइंट ऊपर खुला, अब रेड में आया। बैंक निफ्टी 81 पॉइंट्स नीचे, अब 100 पॉइंट नीचे आ गया। यहाँ एक्सपायरी है आज। निफ्टी आईटी फ्लैट है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स फ्रेश ऑल टाइम हाई, ये करीब करीब 125 पॉइंट ऊपर इस समय खुलता हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स, ये भी फ्रेश ऑल टाइम हाई ही होगा, 19400 के ऊपर, 1/3% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन, 1300 बढ़ने वाले शेयर, 300 गिरने वाले शेयर। तो कुल मिलाकर इस समय मार्केट की एक अच्छी ओपनिंग, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रही है और एडवांस डिक्लाइन अच्छा है इस समय। सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं एक बार मार्केट की कैसी है। सेक्टोरल ब्रेड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने को। अच्छा, आईटी में थोड़ा पिकअप आने लगा, एक सो रिफ्रेश करिए, आई थिंक थोड़ा सा अटक गया ये। फार्मा में हल्की सी बाइंग है, हाँ फार्मा में हल्की सी बाइंग है। अब आईटी चलने लगा है, उसके अलावा कैपिटल गुड्स में ठीक ठाक तेज़ी है। नीचे क्या है लेकिन, बस बैंक निफ्टी ठीक है, मार्केट थोड़ा वापस ग्रीन में आया है। 13 पॉइंट ऊपर निफ्टी इस समय, लेकिन निफ्टी आईटी अब 200 पॉइंट ऊपर, क्लियर कट आउट परफॉर्मर इस समय मार्केट में। चलिए निफ्टी गिरने से शुरुआत करते हैं, और सबसे ऊपर एलटीआई माइंडट्री, 2.5% ऊपर एलटीआई माइंडट्री। आई थिंक वो जो स्टे नोटिस मिला उसका फ़ायदा, एलटीआई माइंडट्री को कल भी ग्रीन में लिया था कि जब भी इंडेक्स से बाहर निकलते हैं स्टॉक्स बॉटम आउट हो जाते हैं वो। कोल इंडिया और विप्रो, यहाँ पर भी आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। उसके अलावा बजाज फिंसर भी, गावा सर की पिक भी थी, इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड, ये स्टॉक्स ग्रीन में। रेड में क्या है, श्रीराम फाइनेंस, डिवीज लेबोरेटरीज और एक्सिस बैंक, तो ये आज के लूजर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ओएनजीसी और आयशर मोटर्स। निफ्टी का हीट मैप देख लेते हैं एक बार, 20 पॉइंट ऊपर है अब हम, वापस ऑल टाइम हाई के करीब। एलटीआई माइंडट्री टॉप गेनर, एमएनएम, विप्रो, सिप्ला, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, तो आईटी स्टॉक्स। रिलायंस चलने लगा है वापस एक बार, रिलायंस की कल एजी में ध्यान रखिएगा। नीचे हैं श्रीराम फाइनेंस, डिवीज लैब्स, हीरो, एक्सिस बैंक और आयशर मोटर्स। चलिए बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स और देख लेते हैं, उसके बाद वीरो के पास जाएंगे एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग होता है देखने के लिए। इंडस टावर करीब करीब 1.5% ऊपर, लूपिन में करीब करीब 1% की रैली, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का स्टॉक करीब करीब 4% ऊपर इस समय आपको दिखाई देगा। उसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब करीब 1.5% ऊपर है, और वोल्टास में हल्की सी आपको डाउनटेक इस समय दिखाई देगी। तो ये कुल मिलाकर अब तक का मार्केट एक्शन इस समय। वीरो, एफएनओ में क्या इंटरेस्टिंग? जैम, डेरिवेटिव्स में इंटरेस्टिंग क्या है, अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में कहाँ कहाँ स्विंग काफ़ी अच्छे खासे हैं। अच्छा, टाटा मोटर्स को देखिए, 1082 पे करीब 5.5% ऊपर, करीब 12% की तेज़ी लेकर ट्रेड कर रहा है आज। आईटी स्पेस में विप्रो में वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं, 521.40, करीब 4% ऊपर, करीब 1% का मूव यहाँ पे है। और मैं भी वॉल्यूम्स का दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, जहाँ प्राइस सेक्शन थोड़ा सा सपोर्टेड विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स है। उसके बाद एक पावर ग्रिड में मूव अच्छा है, और रिलायंस करीब करीब 3009 पे टिकता हुआ, 3009 के ऊपर, दैट्स गुड। 0.5% ऊपर ये रिलायंस अभी करीब करीब 1/4% ऊपर है, माफ़ कीजिएगा। और आईटी में बिरला सॉफ्ट, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें जो डेरिवेटिव्स में अच्छा कर रहे हैं, उसमें ट्रेंड आज भी करीब 126 रुपये ऊपर, 6996, इनफैक्ट अब 7002। ऑटो स्पेस में M&M, टाटा मोटर्स दोनों लीड लेते हुए, लेकिन मेरी निगाहें एक बार फिर से हैं कैनफिन होम्स पे, 0.5% ऊपर। मेरे ख्याल से दोनों HFCs काफ़ी अच्छा कर रही हैं इस वक्त। और बजाज फाइनेंस कल के स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, इनफैक्ट दोनों B2 में, बजाज फिंसर में, बजाज फाइनेंस में कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। बजाज फाइनेंस आज भी करीब 34 रुपये ऊपर, 0.5% की तेज़ी। और एक दिग्गज, और आई थिंक इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से ये महत्वपूर्ण है, कि L&T 16 रुपये ऊपर, यानी अनुज, रिलायंस और L&T अभी एक क्रिटिकल भूमिका निभाते हुए, और एक बार फिर से निफ्टी बहुत नज़दीक अपने ऑल टाइम हाई के। अनुज, बिल्कुल वीरो।